दोस्तों इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, या जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन या मेन मोटिव उनका सिर्फ पैसा कमाना होता है। लेकिन ऐसे पैसे कमाने के बाद जब आदमी लाइफ के लास्ट स्टेज पर जाता है और सोचता है तो मैंने लाइफ में क्या किया और क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो, आपका रीजन क्या है, रीजन टू लिव क्या है, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन एंड हाउ टू मेक योर पैशन इनटू प्रोफेशन। दोस्तों लाइकिंग और पैशन में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो लाइकिंग और पैशन में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कर भी सकते हो बिना थके बिना रुके, तो उसको आप पैशन कह सकते हो। जैसे अगर आपको गाना देखना अच्छा लगता है और गाना गाने के लिए आपके पास सुरों की भी अच्छी पहचान है और उसके ऊपर आपके पास में एक अच्छा आवाज़ भी है, तो आपका वो पैशन बन सकता है। अगर आपको खाना खाना अच्छा लगता है, उसके साथ अगर आप खाना बना भी सकते हो और वो आपको अच्छा भी लगता है, शायद ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर पैशन के ऊपर काम किया और बहुत सारे नए कुक्स भी हम लोग देखते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो चीज़ आपको पसंद है और वो चीज़ आप कर भी सकते हो बिना थके बिना रुके बिना पैसे या एप्रिसिएशन के, वो पर्टिकुलर चीज़ आप करना भी चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग पैशन कह सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें अच्छी भी लगती है और जो चीज़ें आप कर भी सकते हो, ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। वो 1, 2, 3, 5, 10 भी हो सकती है। इस लिस्ट से आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से एरियाज, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपके पैशन के आसपास है। तो चलिए जानते हैं पैशन ढूंढने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। हर एक व्यक्ति में कुछ स्किल्स होते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियर हो तो शायद आपके पास कुछ इंजीनियरिंग की स्किल्स होंगे, आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास अकाउंटिंग के स्किल होंगे। तो वैसे ही आपके पास जो भी स्किल्स है उसकी एक लिस्ट बनाना भी उतनी ही आवश्यक है। आपका प्रोफेशन या आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही आपके पास स्किल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास कोई एजुकेशन ना होने के बावजूद भी वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बढ़िया होते हैं। तो ऐसे जो भी स्किल्स आपके पास में है उसकी लिस्ट बनाना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसलिए आपके पास जो भी स्किल्स है उसकी लिस्ट भी जरूर बनाइए। जैसे आपके पास सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपको आपने जो प्रोबेबल पैशन की लिस्ट बनाई है उसमें से आपको एक या दो एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और उसे कंटिन्यूसली 21 दिन तक करना है। जैसे आपको गाना सुनना अच्छा लगता है और गाना आप गा भी रहे हो, तो आपको 21 दिन तक कंटिन्यूसली गाना गाना है और उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे अगर आपको खाना खाना अच्छा लगता है और अगर आप खाना बना भी सकते हो, तो कम से कम 21 दिन तक आपको अलग अलग तरीके के खाने को ट्राई करना चाहिए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को 21 दिन तक करते हो या नहीं करते हो। और उसके बाद आपको फीडबैक लेना होगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर काम मैं कंटिन्यूसली पूरे लाइफ टाइम 5 साल 10 साल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये आपको पता चलेगा। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को 21 दिन करने के बाद आपको एक फीडबैक लेना होगा कि आप उस एक्टिविटी में कैसे हो और आपको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी पसंद आती भी है या नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए आपके पास में क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे अगर आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, आपने 21 दिन ट्रैवल भी कर लिया, लेकिन आपकी फैमिली अरेंजमेंट ऐसी है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आप बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, तो शायद आपका जो ट्रैवल का जो पैशन है वो पैशन नहीं बन सकता। इसके अलावा 21 दिन तक अगर कोई चीज़ आप करते हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप बेहतर होंगे, ये भी आपको पता चलेगा। तो आइए आगे समझते हैं कि एक पैशन को प्रोफेशन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो आप कितने घंटे काम कर रहे हो और उसमें आप कितना पैसा कमा रहे हो। किसी भी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको कम से कम कितना पैसा मंथली या ईयरली चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पैशन वो उतना पैसा या उतना इनकम अगर आपको देता है तो आप अपने पैशन पर बिल्कुल जंप कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पैशन में काम करना चाहते हैं उसमें उतना पैसा नहीं मिलता जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाहिए। तो ऐसे केस में
पैशन को साइड हसल करके आप कंटिन्यू रखिए, और आपको जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करनी है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन एक दिन वो साइड हसल इतना बड़ा बन जाता है कि आप अपना पैशन जो है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपको आपके पैशन को ढूंढना और उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको दिल से पसंद है उसे कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यूसली कीजिए। शायद ऐसा भी हो सकता है आपको एक से ज़्यादा चीज़ें करने का पैशन हो और एक पर्टिकुलर चीज़ में आप सुपर महारत हासिल कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल सेट्स आपके पास में है उसको भी यूज़ करना ज़रूर सीखिए। क्योंकि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, और शायद आप डॉक्टर हो तो इसलिए शायद आप पेशेंट देखना छोड़ करके लोगों को हेल्थ रिलेटेड लेक्चर्स देना शायद आपका पैशन हो सकता है। इसलिए आपका एजुकेशन और आपका पैशन भले ही अलग अलग रहे, उसे जोड़ने का काम आप ज़रूर कीजिए, उसमें एक दिन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि समझ लो सिंगिंग आपका पैशन है और आप उसको कंटिन्यूसली कर रहे हो और उसके साथ में आप जॉब या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप जॉब या पढ़ाई छोड़ करके सिंगिंग के पीछे जाओगे तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए जो चीज़ आपके सामने एज अ प्रायोरिटी है उसे आप करते रहो, और आपका जो पैशन है उसे एज अ साइड हसल करते रहो। शायद 21 वीक या 21 महीने के बाद में आप सिंगिंग में बहुत अच्छी महारत हासिल कर लोगे, जिससे आपको उतना पैसा मिलेगा जो आपके जॉब या एजुकेशन दिला रही है। उतना पैसा मिलेगा जितना पैसा आपकी जॉब दिला रही है। इसलिए आपको पैशन को ढूंढना भी है और उसे प्रॉपर तरीके से संजोना है, जिससे वो पैशन उतना बड़ा बन जाए कि जो आपका प्रोफेशन बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि आप अपने पैशन को ज़रूर ढूंढ पाओगे और उसे प्रोफेशन में भी शायद कन्वर्ट कर पाओगे। आपका क्या पैशन है ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या एटलीस्ट वो लाइकिंग भी बता सकते हैं जिसे आप पैशन में कन्वर्ट करना चाहते हो। और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका कोई पैशन नहीं है और जो एज अ रोबोट करके इस दुनिया में काम करते रह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म होने से पहले उनका पैशन उनको ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए। और आपका क्या पैशन है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और 21 दिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद आपका क्या अनुभव रहा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको हम लोग दे सकें।